सब्सक्राइब कीजिए हमारे ओपन माइंड चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल को, जिससे आप देख पाए न्यू वीडियो सबसे पहले। हेलो बच्चों, आज हम कुछ नई जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए आज हम विज्ञान की ओर चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सजीव और निर्जीव, इंग्लिश में लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। आइए हम जानते हैं सजीव और निर्जीव क्या है। आपने कछुआ देखा है? जब आप कछुए को छूने की कोशिश करते हैं तो वो क्या करता है? वो अपने सर को अंदर की ओर छुपा लेता है। उसी प्रकार आप अगर एक बिल्ली को छूते हैं तो वो क्या करती है? म्याओ, वो म्याओ की आवाज करती है। या अगर आप एक कुत्ते को छूते हैं तो वो भौ भौ का आवाज करता है। लेकिन अगर आप एक टेबल को छूते हैं, मेज को छूते हैं, या एक चेयर को छूते हैं, कुर्सी को छूते हैं, तो क्या वह कोई आवाज करता है? नहीं। अर्थात इन दोनों में अंतर है। कुछ चीजें आवाज करती हैं, कुछ चीजों से आवाज नहीं मिलते हैं। उसी प्रकार देखते हैं कुछ और उदाहरण, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। हम खाना खाते हैं, आप भी खाना खाते हैं। आपको चॉकलेट बहुत पसंद है, मुझे चॉकलेट पसंद नहीं है। बिल्ली दूध पीती है, गाय घास खाती है, पर क्या टेबल कुछ खाता है? दरवाजे खिड़कियां कुछ खाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो कुछ भी नहीं खाते हैं। अर्थात कुछ वस्तुओं को खाने की जरूरत है। हम खाना खाते हैं लेकिन कुछ वस्तुएं खाना नहीं खाते, उन्हें खाने की जरूरत ही नहीं है। अब एक और बात मैं आपको बताती हूं। एक छोटी सी किटन है, बिल्ली का बच्चा। थोड़े ही दिनों के बाद वह बड़ी होकर एक बिल्ली बन जाती है, या एक छोटा सा पपी है, कुत्ते का बच्चा, पिल्ला। कुछ दिनों के बाद वह बड़ा होकर एक बड़ा सा कुत्ता बन जाता है। लेकिन आपके घर में टेडी बियर है, वो टेडी बियर कुछ दिनों के बाद क्या एक बड़ा सा टेडी बियर बन जाता है? ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता तो कितना अच्छा होता ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपके खिलौने कुछ दिनों के बाद वो आकार में बढ़ते नहीं है। अर्थात हमने क्या जाना, कुछ चीजें जो है आकार में बढ़ते हैं। जैसे पौधा, एक पौधा कुछ दिनों के बाद वो बड़ा होता है और बड़ा सा पेड़ बन जाता है। कुछ चीजें कभी आकार में बढ़ते नहीं है। अब देखते हैं एक और बात। एक बिल्ली से एक छोटी सी बिल्ली का जन्म होता है, या एक गाय बछड़े को जन्म देती है। मम्मी से आपका जन्म हुआ, लेकिन क्या एक टेबल से एक दूसरा टेबल जन्म लेता है? नहीं। एक कुर्सी से दूसरी कुर्सी? बिल्कुल नहीं। अर्थात कुछ चीजें जन्म देते हैं, कुछ चीजों से जन्म बिल्कुल नहीं होता। कुछ वस्तुओं को हम बनाते हैं, अर्थात मनुष्य के द्वारा वो बनाए जाते हैं। जैसे दरवाजे खिड़कियां है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, या
टेबल चेयर है, लेकिन क्या हम एक कुत्ते को बना सकते हैं? नहीं, वो फिर खिलौना हो जाएगा। या क्या हम एक दूसरा पेड़ बना सकते हैं? नहीं, पेड़ का जन्म होता है, उनको हम मनुष्य बना नहीं सकते, वो नेचुरल होते हैं, प्राकृतिक चीजें होती हैं। तो हमने दो तरह के चीजों को अभी देखा। मैं लिखती हूं बोर्ड पर, जैसे गाय, मनुष्य, खिलौना, मेज, कुत्ता, बिल्ली, खिड़की, दरवाजा। अभी मैंने यहां पर बोर्ड पर कुछ शब्द लिखे। अब देखिए, बीच में से अगर मैं एक लकीर खींचती हूं, यहां पर जो शब्द हैं, उनमें कुछ समानता है, यहां पर जो शब्द है उनमें कुछ समानताएं हैं। पेड़, कछुआ, नदी, पहाड़। इस प्रकार ये जो वस्तुएं हैं वे सजीव कहलाते हैं, इंग्लिश में हम उन्हें लिविंग थिंग्स कहते हैं। और इधर जो मैंने लिखा वे निर्जीव कहलाते हैं, उनमें प्राण नहीं होते, उन्हें हम इंग्लिश में नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। अतः बच्चों, हमने देखा कि जिन वस्तुओं में प्राण होते हैं, वे सांस लेते हैं, वे बढ़ते हैं या भोजन करते हैं, वे रिएक्ट करते हैं। अगर आपको कोई पिंच करे, आप कहेंगे ओह बहुत दर्द हो रहा है, ये जो बातें हैं, रिएक्शन देना, जो रिएक्ट करते हैं या जिनसे दूसरों का जन्म होता है, वैसी वस्तुओं को हम कहते हैं सजीव प्राणी या लिविंग थिंग्स। उसके विपरीत जिनमें बढ़ोतरी नहीं होती है, अर्थात जो बढ़ते नहीं हैं या जो भोजन नहीं करते हैं, जिनसे उन्हीं प्रकार के चीज़ों का जन्म नहीं होता या जो प्रतिक्रिया नहीं देते, प्रतिक्रिया मतलब रिएक्शन, वैसे चीज़ों को हम निर्जीव वस्तु कहते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलेंगे, बाय। न्यू अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दिए गए लिंक्स को क्लिक कीजिए और हमारे वीडियोस को एंजॉय करते रहिए।